नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर के उपनगर मकरोनिया से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मकरोनिया में बड़ा सेक्स रैकेट पुलिस के हत्थे चला जी है। 5 ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। कोलकाता की 3 युवतियों सहित 8 महिलाओं 2 पुरुषों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। दरअसल सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र में दीनदयाल नगर, गौरनगर और बड़तू माह में दबिश देकर पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा है। कार्रवाई में 3 स्थानों से कोलकाता की 3 युवतियाँ सहित 8 महिलाओं और 2 पुरुष पुलिस ने पकड़े हैं। हम आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने 2-3 बार इसी इलाके से सेक्स रैकेट पकड़ी थी और आज फिर एक कामयाबी मिली है। थाने लाकर पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार लगातार मकरोनिया क्षेत्र में देह व्यापार होने की सूचना लगातार मिल रही थी। सूचना पर महिला थाना पुलिस और मकरोनिया पुलिस की टीम बनाई गई। टीम ने गुरुवार को 5 ठिकानों पर दबिश दी है। कार्रवाई में दीनदयाल नगर, गौरनगर और बड़तू माह में आपत्तिजनक स्थिति में युवक और युवतियां मिले हैं। पुलिस ने मौके से 8 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया है, जिन्हें थाने लाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में CSP शेखर दुबे ने बताया कि कार्रवाई में पकड़ाई गई 3 युवतियाँ कोलकाता की रहने वाली है। गौरझामर, मोतीनगर क्षेत्र और गड़ाकोटा की एक एक युवती शामिल है इसमें। वहीं दोनों युवक गड़ाकोटा के रहने वाले हैं। कोलकाता से आई युवतियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि मकरोनिया क्षेत्र में खासतौर से दीनदयाल नगर, गौरनगर क्षेत्र, ये लगातार यहाँ से इस तरीके की खबरें आती रहती है, जिन पर पुलिस को लगातार दबिश देना ही पड़ेगी, नहीं तो सेक्स रैकेट का अड्डा मकरोनिया बनता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।